हेलो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं मॉड्यूलर बोर्ड के। जो अंडरग्राउंड फिटिंग में मॉड्यूलर बोर्ड लगते हैं, तो आपको कौन से कंपनी के लगवाने चाहिए और किस किस साइज के आते हैं, उसके बारे में आपको सब डिटेल बताएंगे। दोस्तों, हमारी वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों प्लीज नहीं भूलिएगा। आगे जो संबंधित दोस्तों वीडियो लेकर आते रहेंगे। चलिए फिर दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे देख सकते हैं, ये एक हमारी केबर्ड की कंपनी है। ये केबर्ड की कंपनी के नाम से एक बोर्ड आता है, जो कि बहुत बढ़िया बोर्ड है, जो कि सस्ते में बहुत अच्छा बोर्ड है, जो कि आपको एक जो सिल्वर कलर में आपको बोर्ड मिलेगा, ठीक है। और ये इसमें देखिए 12 मॉडलर का बोर्ड है हमारा, जो कि केबर्ड कंपनी का। आपको जो साफ साफ लिखा होगा, ये पूरा पन्नी के साथ पैक हो गया था। ये मेरा बोर्ड लगना हुआ था, इसलिए मैंने इसकी पन्नी की पैकिंग खोली। ये हमारा एक थ्री वे का बोर्ड है, एक ये हमारा सिक्स वे का बोर्ड है, और जो भी ये सब साइज़ के बोर्ड आते हैं, ये हमारा फोर वे का बोर्ड जो हमने अभी रखा, और ये एक हमारा टू वे का बोर्ड है, ये एक हमारा एट वे का बोर्ड है, ये एक 18 वे का। 18 वे का जो सबसे बड़ा बोर्ड आता है, इससे बड़ा मॉडलर फिटिंग में 18 वे से ज़्यादा बोर्ड नहीं आता है। 18 वे सबसे लास्ट बोर्ड है, इसमें आप 18 बटनों का बोर्ड लगा सकते हैं। 18 भी लग जाती हैं, 21 भी लग जाती हैं, 12 में 14 लग जाती है, 8 में 9 लग जाती है, 6 वे में 7 लग जाती हैं। जो भी बोर्ड होंगे, जिस वे का होगा, उसमें सब में प्रिंटेड होगा कि ये कितने वे का बोर्ड है, तो सब में लिखा होगा, 4 वे 3 वे 2 वे 1 वे सब में लिखा होगा, ठीक है। अब आपको इसमें क्या है कि जो आप बाज़ार में देखते हैं, जो बोर्ड मिलते हैं बिना पैकिंग के, वो तौल वाले बोर्ड आते हैं, तो आपको वो बिल्कुल नहीं खरीदना। उसमें क्या है कि जंग वगैरह जल्दी लग जाता है। ये जो आपको पन्नी में पैक होके आते हैं बिल्कुल से, या इसमें केवट वगैरह, आप इसकी चमक देख सकते हैं कितनी बढ़िया चमक है। इसका एलुमिनियम कोटेड में जैसे लग रहा है, सिल्वर कलर में लग रहा है, तो इसमें जल्दी जंग नहीं लगता। जो बाज़ार में किलो वाले मिलते हैं, उसमें जंग जल्दी लग जाता है। तो केवट एक बहुत बड़ी कंपनी है, और बहुत टाइम से मैं इसको केबर्ड कंपनी का लगा रहा हूँ, इसमें कोई जंग वंग नहीं लगता है। तो आप भी अगर केबर्ड के नाम से लगाइए बोर्ड, मंगवाइए, तो बहुत अच्छा है। इसमें आपको बोर्ड में, केबर्ड के बोर्ड में आपको 1 रुपये, 2 रुपये, किसी में 3 रुपये मिलता है, ठीक है। ये देखिए, एक हमारा जो कूपन टाइप लग रहा हुआ है, एक हमारे इसमें 1 रुपये का कूपन निकला हुआ है। कोई भी कंपनी किसी बोर्ड में, मॉडलर बोर्ड में, किसी भी कंपनी का हो, वो कूपन नहीं देती है। जो मैंने बोर्ड लगाए हुए, उसमें आज तक मैंने किसी में नहीं देखे, बाकी और मुझको पता नहीं है। लेकिन जो मैं एक कंपनी लगा, उसमें आपको इलेक्ट्रीशियन के लिए कूपन मिलता है। एक हमारा बैंड है, जो कि लगता है फिटिंग के यूज होता है, ये हमारी ओएम कंपनी का है, ओम कंपनी का है। एक हमारी कंडूब जंक्शन है, ठीक है, कंडूब जंक्शन में हमारे एक मीडियम क्वालिटी का, जो कि मजबूत कंपनी कंडूब जंक्शन है। एक हमारे ये रेड बुल की कटर ब्लेड है, जो कि 6 इंची कटर ब्लेड है, जो कि मशीन में हमारे जो दीवार काटने के काम आती है। ये हमारे सारे बोर्ड रखे हैं, ये हमारे यहाँ फिटिंग हो रही है। हम यहाँ पे देखिए, 18 वे का हमारा बोर्ड कटा हुआ, पूरी कटिंग की है हमने। ये देखिए, 18 वे का पूरा हमने कटिंग के दी। ये पूरे मकान में हम केबर्ड कंपनी का बोर्ड लगा रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। पूरे मकान में हर जगह अलग अलग साइज़ का बोर्ड लग रहा है, 12 वे 4 वे 3 वे 4 वे ऐसे सब लग रहा है। ये हमारा किचन है, किचन में भी कई प्रकार के बोर्ड लग रहे हैं, 3 वे 12 वे 6 वे 4 वे 3 वे 2 वे। जब हम इसके बोर्ड लगा देंगे, तो उसके बाद में एक वीडियो आपको दिखाएंगे कहाँ पे कितने साइज़ का बोर्ड लगाया है, तो वो आपको दिखाएंगे, तो आपको पता चल चलेगा कि कहाँ पे किस साइज़ का बोर्ड लगना चाहिए। क्योंकि कई लोगों को पता नहीं होता कि कहाँ पे कौन सा बोर्ड लगना चाहिए, कहाँ पे कितने सॉकेट का हो सकता है, वो आपको समय बताऊँगा, एक डिटेल में पूरी वीडियो में बताऊँगा। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों प्लीज नहीं भूलिएगा। हमारी ये मशीन है, जिससे हम दीवार कटिंग करते हैं, जो कि 6 इंची की कटर बिट लगाई है हमने, और ये हमारा पूरा सामान फैला हुआ है। अब आपको एक बार बता दें, आपको मॉडलर बोर्ड हमेशा ही अच्छी कंपनी के लेने चाहिए। जो को होता क्या, बाज़ार में जो तौल वाले बोर्ड मिलते हैं, उसको क्या महंगे रेट पर बेचा जाता है, मगर उसमें क्या है, जंग जल्दी लग जाता है। वो आपको बिल्कुल लोहा जैसे लगेगा, मगर आप इसको बोर्ड को देख रहे होंगे, ये पूरा पन्नी में पैक आता है, और साथ में जहाँ स्क्रू कसने वाला सिस्टम होता है, उसमें पैकिंग लग के आती है, कि उसमें हमारा कचरा वगैरह नहीं जा पाए। तो मेरे हिसाब से केबर्ड ही एक बहुत बढ़िया कंपनी है, अब आप लगा सकते हैं। एल्युमिनियम कोटेड में है, एल्युमिनियम कलर में है, जैसे होता है, जंग भी नहीं लगता है दीवार के अंदर पे, बाकी बोर्डों में जंग लग जाता, तो मेरे हिसाब से यही ठीक है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों प्लीज नहीं भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।